लगती का पहले इतना तमीज है तुमको प्यार करना जानती हो कि प्यार किया जाता है लड़के से और फांसी लगाना नहीं मालूम फांसी लगती कहाँ है यहाँ फांसी नहीं लगती यहाँ मरोगी नहीं तुम लटकी रहोगी सिर्फ फांसी गले में लगती है फंदा मैं फांसी लगाना मालूम प्यार करना इससे कह दो मान जाने तो भूतनी बनकर तुमको पकड़ूंगी हाँ दो ये ए, क्या तुम मुझे सचमुच मार डालना चाहते हैं? कोई खानदानी तुम हमारी का मर जाओगी तो मुझे मुंडी बनवानी पड़ेगी अगर गई मर गई तो हमारी डाला में लाश ले जाओ ले जाओ ये रहा फांसी का फंदा डाल दोगे हेलो इंस्टा फॉलो शायद मर भी आज गुमनाम जे 20 रुपए आप लोगों के लिए आए हैं कहते फांसी लगे फट जाओ जल्दी प्यार कर लो मेरे सामने फांसी मत लगाना क्योंकि मैं तुम्हें मरता हो देख भी नहीं पाऊंगा तुम जल्दी से प्यार कर लो चलो पहुड़ो चले ओह तो जल्दी सुनो फांसी लगाना चाहती हूँ मरना चाहती हूँ ना मेरे प्यार में तो देखता हूँ कैसे तो मरती मर जाओ उधर लटको मैं खर्चू इतने बेवकूफ है हम तुम्हारी गलत आपको मार दे उसके बाद हम कतल के केस में फंस जाए मरना मैं तुम्हारे हाथों से चाहती हूँ श्रीमान जी शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए जब से मैंने तुम्हें देखा नहीं तो नंबर 3 से मर जाऊंगा इनसे मरना चाहती हूँ फांसी से नहीं मरना चाहती हूँ इससे पता नहीं बच जाओ हार लगा दे ताकि बचो ना बहुत प्यार में दीवानी हो हमारी है मरना चाहती हूँ हमारे प्यार में तो लीजिए छुरा हाथ में मैडम जी अगर मेरे प्यार में मरना चाहती हो तो मैं खुद कटा दे रहा हूँ लीजिए छुरा हाथ में मारो जिगर पे तान के अरे देखता हूँ मैडम जी कैसे मरती हो तुम मेरे आइए और मारो 3 से मरोगी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 मरो जाओ अपनी नंबर अपनी मर्जी से नंबर बोलोगे ठीक है बीच में अपने नाम मत घुसे हां हमने बीच में हम किनारे बोलेंगे रो क्यों रहे मरने से कोई डर जब तुम डर रही तो रोने की सी बात यार मान जाओ प्यार कर वही बात यार मान जाओ चुम्मा दे दो ये जो मरो जल्दी नंबर नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 एक की बात दो होता डेढ़ नहीं होता है नंबर 2 अब एक नंबर बचा तो मान जा देखो ऐसा है तुम्हें मरने का ना क्या मैं तुमको अच्छी नहीं लगती बिल्कुल बिलैया लग रही बिलैया हाय क्यों हेलो हेलो शायद मर भैया घूम रहा हूँ काते धरा भैया काते वह तलवार मार ले तो समझे सम फांसी की सजा हुई प्यार कर लो जल्दी नंबर नंबर ढाई हो चुका है ढाई हो चुका है आधा नंबर बचा तो वो किस लिए बचा वो भी करो जल्दी मारो चलो अमूल निकले देर हो रही है पिताजी नहीं मारोगे तो मनाने की सीमा समाप्त हो चुकी है शर्मी की हद सचमुच मुझसे प्यार करती है अरे तुमने रोका नहीं होता तो हमारा तो राम नाम अरे क्यों नहीं रोकते मैं ये देख रहा था कि सचमुच अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तुम मेरे साथी जीवन साथी बनने के काबिल हो तो देखो हर काम करने से पहले परीक्षा ली जाती है तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली
परीक्षा लेने का, और परीक्षा में तो पास आई। ये परीक्षा लेने का कोई तरीका है? नहीं, तुम्हें मरने नहीं देते। अभी तो मैं मर जाती। अरे नहीं मरने दे बाबा, ठीक है। अगर तुमने मुझसे प्यार किया है, साथी ने मरने की कसम खाओ, प्यार एक दिन के लिए किया है कि सारी उम्र भर के लिए? मैंने, अरे मैं उस परमपिता परमात्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ, जब तक अर्जुन सिंह के जान में जान बाकी रहेगी, सांस में सांस चलती रहेगी, तब तक अर्जुन सिंह तुम्हारे प्यार का हमेशा रेडी। ओ हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, ओ हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करे, कि लोग हमें याद। हेलो सब, हेलो शाहजी हमारे भी आप बार बार लगातार अंकित खिलाड़ी चौड़ी छब्बीस रुपए क्रम बंद थे, कदे चमक से प्यार करो। चल दे भैया के भैया कल पर भैंसा गवा देखे उल्लू के पट्टे, या तो वह भैंसा वाली रास्ता दिखाई रही भैया, सवेरे तेरे ढूंढ रहे हैं सारा भैंस, छोटेला भैंसा सारा भागा भागा फिर। क्यों भागा भागा फिर रहा? भागा भागा इके बड़े फिरते हैं, आज तीन दिन के बकरी गरम है। अच्छा, भैंसा साला भागा भागा साले बिल्कुल उल्लू हो गधा होगा। एक बात ये बताइए, अगर तुम्हारी बकरी गरम है साले, उल्लू मट्ठे बकरे के पास जाओगे भैंसा ले घूम रहे हो, साले नस्ल बदल देना चाहते हो? वैरायटी बदल दो यार। हां तुम भूलो तो तुम हरदाई, साथे पर ये 10 रुपए देते हैं, कहते चमक से प्यार करो। एक रुपए में चार, कंपनी का प्रचार संता का फायदा। इसका प्रचार बहुत सस्ता है,
एक रुपए में चार है, तुम हमें 20 रुपए की ले दो, 20 की खा जा रहे, तो 50 रुपए ले ले। क्या देखो पैसा पहले नहीं दूंगी, ठीक है, तुम्हारी 20 रुपए की पोनी हम लोग करवाएंगे। एक के मतलब श्रीमान जी, हाँ जी, देखो तुम्हारी 20 रुपए की पोहनी हम लोग करवाएंगे। हमका लागत है ये रतब गाँव जाके पहले पोहनी हमारी नीकी हो जाइए, लेकिन 1 रुपए में चार, कंपनी का प्रचार, जनता का फायदा, घर ले जाओ घरवाली खुश, ससुराल ले जाओ साली खुश, बाहर ले जाओ बाहर वाली खुश। बताओ तुम इससे प्रचार का नाम तो पूछा नहीं, लेने चल दिया, पूछ तो लो बेचते क्या है, बेचित है निरोध गुब्बारा। एब कहते हैं कि बगैर पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए, तुम लड़कियों में यही तो आदत है, कुछ बिकने आ गया, चलो चलो, चलो। मुझे क्या मालूम, अरे मुझे क्या मालूम ये हरामी इतनी गंदी चीज बेच रहा है, पूछ लेना चाहिए, अगर इसकी पहचान ले लेती तो किस गन्ने में फेंक ले जाती। मैडम जी चलो देर हो रही है, मेरे पिताजी मेरा रास्ता देख रहे होंगे। देखो बोलो एक बात तुमसे कहना है, लेकिन एक बात बताया तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुमने पूछा नहीं, बहुत सही, जब हमने पूछा नहीं तो तुम बताओगे कैसे। हाँ तो मैडम जी बताइए तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो। मेरा नाम रूपा है, रूपा नाम है, बीमा किसान जो है। तुम यशवंत नगर की रहने वाली हो, यशवंत नगर की रहने वाली हूँ, मेरे बापू का नाम बीमा किसान है और मेरा नाम रूपा है, एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम माया है। तुम मुझसे नहीं पूछोगे मैं कहाँ रहता हूँ, जानना चाहती हूँ मैं कहाँ रहता हूँ। अरे मैं भी तो यशवंत नगर में रहता हूँ, मेरा नाम ठाकुर अर्जुन सिंह है और पुरुष की ट्रेनिंग पास करके आ रहा हूँ, मेरे पिताजी का नाम दुर्जन सिंह है, वो जो पूरा गांव के पूरब साइड में हवेली बनी हुई है वो मेरे पिताजी हैं। अच्छा आप ठाकुर साहब के वहाँ रहते हैं। जी हाँ मैं ठाकुर साहब, आज मैंने तुम्हें पहली बार देखा इसलिए पहचान नहीं। रूपा लेकिन एक बात बताइए, तुम भीमा किसान की लड़की हो, वो चाचा मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो अच्छे इंसान हैं और तुम उनकी बेटी हो, हमारे गांव के बहुत गरीब इंसान है वो लोग, लेकिन इज्जत करते हैं हम लोगों की। रूपा देखो एक बात कहना है, क्या कहना चाहती हो, तुमने मुझसे प्यार किया है, हाँ तो अब तो सब कुछ हो चुका है, तो अब तो मुझे छोड़ना नहीं, ठीक है। हाँ मैं समझ रहा, मैं यही सोच रहा था कि ऐसा ना हो रूपा के जवान से ये बात निकल जाए कि तुम ठाकुर खानदान से ताल्लुकात रखते हो, तुम्हारे पिताजी इतने बड़े घराने के मेजर है और तुम ऐसा ना हो मेरा साथ छोड़ दो। रूपा देखो तुमने मुझसे प्यार किया है, साथ जिन्हें मरने की कसमें खाई है तो ऐसे मुझे विश्वास नहीं होता, सामने वो देखो शिव जी का मंदिर दिखाई पड़ता है, चलो इसी मंदिर में शादी करो और आज ही मुझे अपने घर। तो ठीक है रूपा मैं कसम खाता हूँ, चलो शिव जी के मंदिर में चलते हैं और तुमको अपने हाथ से तुम्हारे मांग में सिंदूर भरेंगे और तुमको दिल की रानी बना के अपने घर ले चलेंगे। ये बात है वो तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, पतझर दाना सावन का ये प्यार का बच्चे हैं। रामू तुम्हें मालूम होना चाहिए, जी मालिक, हमारा बेटा अर्जुन सिंह ट्रेनिंग के वास्ते गया था, जी मालिक, मेरे पास खत भेजा था, अभी परसों खत आया है कि आज की तारीख में हम डैडी घर आ रहे हैं, आज हमारा बेटा घर आ रहा है वापस ट्रेनिंग पास होकर के, यानी कि सपोर्टर हो गया। और तुम्हें जो काम बताया था, कुछ लड्डू बनवाने के लिए कहा था, हलवाई पूरा दो तीन हलवाई बुलाया है, हाँ बनवा लो, और आज हमारा बेटा आ रहा है, जब आएंगे तो पूरे ग्राम सभा में लड्डू पके। अर्जुन सिंह बेटा आज हमारा हमारी घर आ रहा है, अब उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। हरी कितना समय हो गया, पूरा 6 महीना हो गया है, सच कहते हो मालिक, हमारा बेटा आ रहा है, आंखें देखने को तरस गई है।
अर्जुन सिंह। पिताजी ये कौन लड़की है जो हमारे पैर छू रही है? पिताजी बेटा मैं एक बात पूछूं आपसे। कहिए पिताजी क्या पूछना चाहते हैं? अरे कहो कौन है जो इसे साथ आपके कहने का मतलब यह है कि ये कौन है? आप जानना चाहते हो पिताजी? और तेरे पास कल के पिता घर पिताजी आप ही ने सिखाया है कि हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। पहले मेरी बात तो सुनो पिताजी, एक बात बताइए। मैं ट्रेन से जो ही मैं अपने स्टेशन पर उतरा घर के लिए आ रहा था, रास्ते में चीख और चिल्लाने की आवाज सुना तो मैं सोचा कि कोई जंगली जानवर किसी इंसान का शिकार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जब जाकर देखा तो एक शैतान और शपला की इज्जत लूट रहा है। मैंने जाकर के शपला को बचाया तो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि मेरा सहारा इस दुनिया में देने वाला कोई नहीं है, हम गरीबों की इज्जत रोज उछाली जाती है। बाबूजी आज तो मुझे बचा लिया, कल आकर कौन मुझे बचाएगा? जब इससे इसके बातों को सुनकर के मुझे दया आ गई तो मैंने कहा कहां की रहने वाली हो? तो इसने अपना नाम बताया कि मेरे पिताजी का नाम जो अरे इसी यशवंत नगर में बीमा किसान की लड़की है और इसका नाम रूपा है। तो मैंने पिताजी बगैर कुछ सोचे समझे गरीब घर की लड़की है इसलिए मैंने अपने घर की इज्जत को। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे तो बेटा मैंने ये सोचा था हमारा इकलौता बेटा है, हरी खूब धूमधाम से शादी करूंगा। मानता हूँ पिताजी, लेकिन बेटे तुम्हारी इच्छा तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई, आपने एक गंधर्व शादी कर लिया है तो तुम्हारे डैडी को कोई पिताजी एक बात बताइए, जैसे कि अभी शादी अगर मेरी होती धूमधाम से अच्छा दहेज मिलता, ये बताइए अपने घर में दौलत की कमी तो है नहीं और ये गरीब घर की लड़की आपको ढेर सारा प्यार देगी और घर का सारा कारोबार संभालेगी? अरे बेटा तुम्हारी खुशियाँ तो हमारी खुशियाँ है। अरे बहू देखो बहू बहू देखो ये गाड़ी बंगला सब आज से तुम्हारा है, ठीक है? मेरी बात सुनो, अब तुम घर के अंदर रहो और चाय खाना की व्यवस्था करो। और बेटा अर्जुन सिंह हम जा रहे हैं खेतों की तरफ। अरे पापा आप खेतों की बात करते हो, जब नौकर लगे हुए हैं तो आप खेतों में क्या करने जा रहे हैं? अब आप आराम कीजिए, नहीं आराम करने के दिन है और आप बार बार खेतों में। और हाँ ठीक है बहू और बेटे तुम घर के अंदर और हम खेतों की तरफ जा रहे हैं, हमारा घर में काम क्या है? अरे खेत की तरफ नौकर मजदूर लगे हुए हैं लेकिन फिर भी अपने हाथ ठीक है मैं चलता हूँ बेटा। क्या बात बोले गधे तुम्हारी भाभी है ये कहकर संग भागी है? मैंने कहा तुम्हारी भाभी तुम कहते किसके साथ भागी है? अब उसका मजाक उड़ा रहे हो, ये तुम्हें खाना नहीं देगी तुम्हें बहुत। इसके मतलब ही हमारी भौजी है। तुम्हें कहो तो माफी मांगो भाभी तुम्हारी। चलो भौजी ये वर्दी खुसरा
देखो रूपा जी, रूपा जी ये हमारे घर का बहुत मेन नौकर है, इसको हमेशा ख्याल रखना और इसको कभी किसी चीज की तकलीफ। आज से तुम घर के बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? तो अपनी भाभी के साथ रहना, ठीक है? हाँ, घर में ही रहना। देखो देवर जी, एक बात सुनोगे? अब तुम जाओ यहाँ से थोड़ी देर के लिए, तब तक पानी वानी भरो, चल कर चलो। क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि हर समय इनके साथ रहोगी तो ये कोई और भी कार्य नहीं कर पाएंगे, खाना बना पाएंगे। पानी निकालो, चाय नाश्ता में तैयार करूंगा। हाँ ये बताइए, देखो तुम सब काम करो, एक काम ना करो। कौन सा काम? हम बताइए, तुम का चुप के चलो, जाइए जाइए जाओ। आज क्यों दिमाग खराब किए हो? चलो बताओ बताओ बताओ, जाती रहो मोरी भौजी। अरे आज तो हमारी सुहाग रात है। सुहाग रात या का होते हो पागल साले, उल्लू बनते तुम मैया। अब इसीलिए कहते बिना पढ़े नर पशु कहां में, और जहां जाए तो हंसी कराओ भैया। अब हमरो बहाव कराओ, बहाव नहीं विवाह करवाएंगे, शादी करवा देंगे, ठीक है? चलो 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 चलो। अरे जाओ। हाँ, थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा पिताजी को मैंने देखा, मैंने तो सोचा कि पिताजी मुझे रिजेक्ट कर देंगे। नहीं रूपा, हमारे पिताजी हमेशा हमारी हमारी खुशियों में खुशियां रखते हैं। देखो तुमने मुझसे शादी कर ली, अब तो लगता है मेरे जीवन में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात। आज तुम्हें कहना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है। अरे तुमको तो पहले बात तो थोड़ी सो जा रही, पहले मेरी बात तो सुनो, बात सुनो, उसके बाद जो भी कहना कहना, ठीक है? एक बात मैं बताना तुम्हें भूल गया, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं पुलिस की ट्रेनिंग करके वापस आया हूँ, और आज ही ऑफिस से फोन आया है कि आज ही मेरी वर्दी इशू होगी, सारे सारे अधिकारी आकर के मेरा सम्मान करेंगे, और उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, देख रहे हो? हाय भगवान, ऐसी इस समय ऐसी हालत में कोई छोड़ के जाएगा? अरे रूपा, अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी से इतना ही प्यार था, अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी से इतना ही प्यार था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? एक बात बताइए, अजय एक बात बताइए, अगर अभी एक घंटे के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो तुम्हें तकलीफ है? शायद तुम्हें नहीं मालूम, पहली बार ऐसी रात जीवन में आती इंसान के, और तुम मुझे जो आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। देखो रूपा, मैं सुनो अभी जाऊंगा और 5 बजे हर हाल में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं अधिकारियों से सम्मानित होकर के वर्दी पहन करके तुम्हारे पास आऊंगा, उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। 5 बजे करंट में तुम्हारे पास आऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करके जाता हूँ। अगर तुम विश्वास ना हो, लेकिन जब से तुमने ड्यूटी ज्वाइन करने की सोचा है तो न जाने मुझे कितनी खराब खराब ख्याल आ रहे। पागल हो गए क्या? पुलिस वाले की बीवी होकर के और डरती हो? किस बात के लिए डरना? अर्जुन बोलो क्या बात? मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो, कि ऐसा ना हो ये रूपा तुम्हारी तुमसे हमेशा के लिए बिछड़ जाए। रूपा अगर तुम बिछड़ गई तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुमको सब कुछ दे दिया है, सब कुछ मान सम्मान, और पिताजी भी तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अगर दोबारा ऐसी बात कही कि कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी तो समझ लीजिए मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। अर्जुन ठीक है, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी, क्योंकि तुम्हें शायद आज मेरा दिल चाहता है कि तुम ड्यूटी अपनी नहीं ज्वाइन करने जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अर्जुन वो तुझ संग पीत लगाई सजना सजना सजना।
ठीक है मैं तुम्हारी आने का इंतजार करूंगी, लेकिन न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। अर्जुन वो साथी रे हाय तेरे बिना भी क्या जीना, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, भूलो या चली होवे सपनों की गली होवे तेरे बिना कुछ कहीं ना। उस रात की वजह से आज मुझे सर झुकाना पड़ा, सर का मालिक घर जाना पड़ा, और मेरा दोस्त भारत सिंह कहा है बैठा मालिक सामने नजर डालो, आपके दोस्त भारत सिंह को आ रहे हैं। साहब आपका रुपए से मुलाकात करने के लिए गए थे और बाबा साहब को जो चेहरा पायो क्योंकि जिस वक्त रुपए को अपनी पाहु में भरना चाहा तो उस वक्त वह दुर्जन सिंह का लौंडा अर्जुन सिंह मुझसे टकरा गया। क्या कहा चमीदास, वो ससुर का दुर्जन सिंह का लौंडा अर्जुन आज के ये मजाल चाहिए तुम्हारे रास्ते का रोड़ा भर करके तुम्हारे रास्ते का टकराने की कोशिश है। और जानते हो उस लौंडे ने उस लौंडे से शादी कर ली और शादी करके अपने घर में वो लेकर के चला गया। लेकिन मैंने सुना है कि आज उसकी सुहागरात होने वाली है। जमीदार साहब ख्याल है सुहागरात रूपा की आज उनके साथ में नहीं होगी, सुहागरात होगी तो हमारे और आपके साथ होगी। तो फिर बढ़ा पैदा ठाकुर सब काम देने बढ़ा।